हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आप सभी का अपने इस चैनल कुमार्स मनीष में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज का वीडियो सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट के संदर्भ में है। साथियों, यदि आप टीचर बनना चाहते हैं तो पूरे पैशन से, पूरी भावना से आप इस जॉब में आइए। इट्स वेरी नोबल जॉब। साथियों, टीचिंग जॉब पाने के लिए एक बेसिक एलिजिबिलिटी है, सीटीट ईटी, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। सीटीईटी राज्य सरकारों में शिक्षक के जॉब के लिए और विशेषकर केंद्र सरकार के अधीन संस्थाओं में शिक्षक के जॉब के लिए बेसिक एलिजिबिलिटी टेस्ट है। इसे क्वालिफाई करने के बाद आप जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। मित्रों, सीटीईटी क्वालिफाई करना किसी भी कैंडिडेट के लिए अत्यंत आवश्यक है। आइए सीटीईटी के बारे में ढेर सारी जानकारियां आपसे शेयर करते हैं कि यदि आप सीटीईटी टेस्ट में अपीयर कर रहे हैं तो क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हैं। इस वीडियो में मैं टीचर्स जब सीटीईटी टेस्ट के लिए अपीयर कर रहे हैं उन्हें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए उसकी चर्चा करूंगा, जो न केवल कैंडिडेट्स के लिए हेल्पफुल होंगी बल्कि ऑलरेडी जो लोग टीचर्स का जॉब कर रहे हैं उनको सीटीईटी की इन्विलेशन ड्यूटी में भी इससे बहुत लाभ होगा और वो स्मूथली इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कर पाएंगे। सबसे पहले कैंडिडेट्स के लिए इंस्ट्रक्शंस। इस परीक्षा में अपीयर होने के लिए कैंडिडेट्स की ज़रूरत होती है कि वो वेबसाइट से डाउनलोडेड एडमिट कार्ड और साथ में अपना एक आइडेंटिटी कार्ड एग्जामिनेशन सेंटर पर ज़रूर ले जाएं, जो उनकी आइडेंटिटी को क्रॉस वेरीफाई कराएगा। साथ ही साथ इसमें उनको केवल ब्लू और ब्लैक बॉल पेन यूज़ करने का आदेश है, इसकी परमिशन है। पेंसिल, वाइटनर, इरेजर और अन्य चीज़ों का इस्तेमाल स्ट्रिक्टली मना किया गया है। कैंडिडेट्स को चाहिए कोई अपने साथ कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट न लाएं, कोई भी आभूषण ज्वेलरी न लाएं और एग्जामिनेशन में 9 बजे उन्हें अपने एग्जामिनेशन हॉल में पहुंच जाना है। 9:15 पर उन्हें टेस्ट बुकलेट इशू की जाएगी। 9:25 पर वो टेस्ट बुकलेट ओपन कर सकते हैं। उन्हें सबसे पहले चाहिए एक अपनी OMR सीट और टेस्ट बुकलेट का सीरियल नंबर कैंडिडेट पहले मैच कराएं, टेस्ट बुकलेट के पेजेस काउंट कर लें। 9:30 पर ये एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाता है। 2.5 घंटे के ड्यूरेशन में एग्ज़ाम पूर्ण हो जाता है। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अपीयरिंग कैंडिडेट्स अपना नाम मदर्स नेम कैपिटल लेटर्स में लिखें और जहां भी सिग्नेचर करनी है उसे रनिंग हैंड में करें। OMR सीट में कैंडिडेट्स के सिग्नेचर मैंडेटरी हैं। साथ ही साथ अटेंडेंस सीट में भी कैंडिडेट्स को 2 बार साइन करना है, पहला OMR सीट को रिसीव करते समय, दूसरा OMR सीट को सबमिट करते समय। 2.5 घंटे के इस ड्यूरेशन के बाद जब एग्ज़ाम पूर्ण हो जाए, परीक्षा पूरी हो जाए, तो विद्यार्थियों को एग्जामिनेशन हॉल में तब तक इंतज़ार करना चाहिए जब तक इन्विलेटर्स उनकी OMR सीट को क्रॉस चेक ना कर लें, उनकी सिग्नेचर दोबारा चेक ना कर लें, उसमें कोई कमी ना हो तो इन्विलेटर उन्हें अलाउ करेंगे। इन्विलेटर की परमिशन के बाद ही उन्हें एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आना चाहिए। इन सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने के साथ एक कैंडिडेट बहुत स्मूथली इस एग्ज़ाम को ट्रैक कर सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं। आइए इंस्ट्रक्शंस देखते हैं जो इन्विलेटर्स के लिए हेल्पफुल होंगे हैं, क्योंकि ड्यूटीज़ के दौरान इन्विलेटर्स काफ़ी प्रेशर महसूस करते हैं, बहुत सारा पेपर वर्क होता है, लेकिन अगर उसे ध्यान से समझें तो उन्हें कोई कठिनाई नहीं होगी। इन्विलेटर का आधारभूत रोल है, उसकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है ग्राउंड लेवल पर, इसलिए उसे हमेशा
सतर्क रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए और जिम्मेदारी के साथ अपनी इंजुलेशन ड्यूटी को परफॉर्म करना चाहिए। सबसे पहले जब इंजुलेटर एग्जामिनेशन हॉल में पहुँचे तो उसे चाहिए कि वह कैंडिडेट्स के आईडी कार्ड और एडमिट कार्ड की फ़ोटो मैच करके उनकी आइडेंटिटी क्रॉस वेरीफाई कर ले, ये चेक कर ले कि वो रोल नंबर वाइज अपनी निश्चित जगह पर बैठे हैं। उन्हें कुछ इंस्ट्रक्शंस दे दें कि यदि उन्हें कोई कठिनाई है तो वो पहले पूछ लें, जानकारी ले लें, चाहे वो बुकलेट हो या वो मेर सीट हो, केयरफुली भरें, उसमें कोई मिस्टेक कोई ओवरराइटिंग ना होने पाए और ब्लैक और ब्लू बॉल पॉइंट पेन का ही प्रयोग करें। 9:15 पर टेस्ट बुकलेट इंजुलेटर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देनी चाहिए। 9:25 पर कैंडिडेट्स को अलाउ करना चाहिए कि वो ओएमआर सीट ओपन करें। उसके बाद कैंडिडेट अपनी ओएमआर सीट और बुकलेट के सीरियल नंबर मैच करेंगे, टेस्ट बुकलेट के पेजेस काउंट करेंगे और इसके साथ ही साथ फिर वो उसमें अपनी एंट्रीज कंप्लीट करेंगे, उसे चेक करेंगे कहीं कोई एंट्री छूटी तो नहीं है। ये बहुत अच्छा होगा कि इंजुलेटर उन्हें लगातार सतर्क करते रहें कि यदि कोई कठिनाई है तो वो ज़रूर पूछ लें। विशेषकर ध्यान देने की आवश्यकता इंजुलेटर्स को उस समय होती है जब वो टेस्ट बुकलेट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हों, तो उन्हें रो वाइज रोल नंबर वाइज करना चाहिए। फर्स्ट टू लास्ट जाएँ पहली रो में, उसके बाद फिर सेकेंड रो में आएँ फर्स्ट टू लास्ट जाएँ, फिर थर्ड रो में आएँ फर्स्ट टू लास्ट जाएँ। और इस बार परीक्षा जो हो रही है वो कोविड के माहौल में है, इसलिए कोविड प्रोटोकॉल का खुद भी स्ट्रिक्टली पालन करें और कैंडिडेट से भी इसका पालन करवाएं। साथ ही साथ उन्हें ये भी समझाएं कि वो जो सर्कल हैं उसे बॉल पेन से ही फिलअप करें, डार्कन करें, और जो लैंग्वेज उन्होंने ऑप्ट की है, जो उनकी अटेंडेंस शीट में मेंशनड है, केवल वही लैंग्वेज वो अटेम्प्ट करें, वही टेस्ट बुकलेट उनको दी जाए। डिस्ट्रीब्यूशन के समय ये एश्योर कर लेना चाहिए। उनके लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन अटेंडेंस सीट के प्रोवाइडेड स्पेस में इंजुलेटर्स को लेने चाहिए। लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन इन द अटेंडेंस सीट एट द प्रोवाइडेड स्पेस। साथ ही साथ लैंग्वेज के लिए जो टेस्ट बुकलेट है उसका मेन टेस्ट बुकलेट का सीरियल नंबर और सप्लीमेंट टेस्ट बुकलेट का सीरियल नंबर मैच होना चाहिए बिफोर एंट्री। कैंडिडेट्स को चाहिए वो इसे चेक करें और इंजुलेटर्स की ड्यूटी है कि वो क्रॉस चेक करते रहें कि कैंडिडेट को सही बुकलेट दी गई है। कैंडिडेट जब अपना नाम और अपनी मदर का नाम लिख रहे हों तो वह उस नाम से मैच होना चाहिए जो उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म में भरा है। इंजुलेटर्स को चाहिए कि जो उनके पास लिस्ट आई है उस लिस्ट से वो मदर्स नेम टैली कर लें। यदि इसमें कोई अंतर पाया जाता है तो सीएस को तुरंत उसकी सूचना दें। साथ ही साथ सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि यदि कोई कैंडिडेट एबसेंट है तो शुरू में भी टेस्ट बुकलेट बांटते समय एबसेंट कैंडिडेट्स के रोल नंबर पर भी टेस्ट बुकलेट रखनी चाहिए। 9:30 पर एग्ज़ाम शुरू हो जाता है। 9:30 के बाद कैंडिडेट्स की एंट्री प्रोहिबिटेड है। इसी समय जब एग्ज़ाम शुरू हो चुका हो एब्सेंटी रिमार्क वो डाल सकते हैं रेड पेन से। अटेंडेंस सीट में एब्सेंट लिखना चाहिए और सीटिंग प्लान में एब्सेंट कैंडिडेट के रोल नंबर को एनसर्कल कर देना चाहिए। साथ ही साथ 9:30 के बाद अनयूज्ड टेस्ट बुकलेट कलेक्ट कर लेनी चाहिए जिससे सीएस के प्रतिनिधि या सीएस कलेक्ट करेंगे, उसे जमा कर देना चाहिए उनके पास। ये सीटीईटी की परीक्षा 2.5 घंटे की होती है। इंजुलेटर्स को चाहिए कि वो लगातार राउंड लेते रहें, अटेंटिव रहें और पूरी तरह से परीक्षा अच्छे माहौल में हो, विद्यार्थी ईमानदारी से अटेम्प्ट कर रहे हों, उनके सिग्नेचर्स प्रॉपर जगह पर हो, कहीं कोई सिग्नेचर कोई फॉर्मेलिटी छूटी ना हो, एन सर्कल परफेक्टली कर रहे हों, इन सब चीज़ों का उन्हें ध्यान देना चाहिए। ओएमआर सीट पर इंजुलेटर्स के अपने भी साइन होते हैं। अटेंडेंस सीट पर ठीक उसी समय जब वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हों, जब सबमिट कर रहे हों, उन्हें भी साइन करना चाहिए।
इसमें सुविधा के लिए इंसुलेटर्स अपनी सिग्नेचर बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कैंडिडेट्स की सिग्नेचर छूटनी नहीं चाहिए, और जब वो एमआर सीटों कलेक्ट कर रहे हों तो कैंडिडेट्स की साइन को उन्हें क्रॉस वेरीफाई करना चाहिए। इस तरह से कंप्लीट होने के बाद क्रॉस चेक करने के बाद ही अलाउ करें कैंडिडेट। स्टूडेंट्स की अटेंडेंस के अनुसार ओएमआर सीट के कलेक्शन को वेरीफाई करने के बाद, उसे परफेक्ट पाने के बाद, हर जगह सिग्नेचर होने के बाद शुभकामनाओं के साथ कैंडिडेट्स को विदा करना चाहिए और खुद एग्जामिनेशन हॉल से निकलकर सीएस के पास सबमिट करने एग्जामिनेशन हॉल से जाना चाहिए। इस तरह अच्छे माहौल में परीक्षा संपन्न हो जाती है। यहाँ ये बात बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है कि CTT में अपीयर करने वाले और CTT कंडक्ट करने वाले दोनों ही बेहद नोबल प्रोफेशन से जुड़े हुए टीचर्स होते हैं, वुड बी टीचर्स होते हैं। इसलिए कैंडिडेट्स को चाहिए कि वो इंजुलेटर्स के सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें, और इंजुलेटर्स को चाहिए कि जब तक उन्हें CS की परमिशन ना हो वह एग्जामिनेशन सेंटर से बाहर न जाएं। अच्छी तरह परीक्षा संपन्न होने और MR सीट जमा होने के बाद ही एग्जामिनेशन सेंटर छोड़ें। CS की परमिशन के उपरांत इंजुलेटर भी निश्चिंत होकर अपने घर जा सकते हैं। इस ड्यूटी में आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। इस तरह इस वीडियो के माध्यम से न केवल कैंडिडेट बल्कि इंजुलेटर्स को भी बहुत हेल्प मिलेगी। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसे खूब लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट टू यू ऑल।